हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर देखकर काम करते थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ये एक बेसिकली चार्ट होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपको ये चार्ट प्रोवाइड करवाता है। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का पता चलता रहता है, प्राइस कहाँ पे गया, कहाँ से कितने से ऊपर आ रहा है, कितने से नीचे जा रहा है। तो ये जो मैंने इसमें एक सैंपल डाल रखा है, ये भी एक टेक्निकल चार्ट का ही सैंपल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ कैंडल्स बन रही हैं, कुछ रेड कैंडल्स बन रही हैं, कुछ ग्रीन बन रही हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस हैं। तो ये तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह दिख रहा होता है। तो कुछ इस तरीके के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनकी तरफ से। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इसका जो क्या इंपॉर्टेंट रोल है जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है हिस्टोरिकल मार्केट डाटा की। जब आप स्क्रीन पर बैठते हैं, जब आप अपने स्टॉक ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं, वहां पर आपके पास चार्ट होता है। चार्ट कब से है, पूरी हिस्ट्री से, जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक का हर एक तरह का चार्ट वहां पर आपके पास अवेलेबल है। आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 महीना, 1 साल, कैसे भी करके आप उस चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसमें आपका हिस्टोरिकल डाटा, उसमें प्राइस कैसे चल रहे थे, उस टाइम वॉल्यूम्स कितनी आ रही थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वॉल्यूम्स क्या होती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, बिहेवियर, इकोनॉमिकल बिहेवियर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सभी चीजें हैं, ये पास्ट की जितनी भी परफॉर्मेंस है उस चार्ट की, स्पेसिफिक स्टॉक की या इंडेक्स की, उसको प्रडिक्ट करना हमने फ्यूचर में करना है, तो इसको हम टेक्निकल एनालाइज कहते हैं। यानी कि हम पिछली जितनी भी हिस्ट्री है उनको सभी को एनालाइज करके हम उसके आधार पे हम इसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि अब जो स्टॉक है वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा। ठीक है, बात करते हैं। इसके अलावा इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती हैं चार्ट पैटर्न्स और एक होते हैं इंडिकेटर्स। इन दोनों का एक मिक्सचर करके एक सेटअप तैयार किया जाता है, जो हर एक बंदे का, हर का अपना अपना अलग अलग सेटअप होता है। तो कोई किसी का कॉपी कर लेते हैं, कोई अपना सेटअप बनाते हैं, तो इन चीजों के ऊपर ये सेटअप काम करता है, जिससे कि आपको एक प्रोबेबिलिटी पता लगती है कि स्टॉक का प्राइस किधर जाने वाला है। इसके अलावा कई बार शेयर अप होता है, कई बार डाउन होता है, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होती है, आपको एक मूवमेंट पता लग जाती है कि ये जो प्राइस है ये कल यहाँ पर क्यों था, यहाँ से क्यों नीचे आ गया और आज यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है, आपका इंडिकेटर या आपका जो चार्ट पैटर्न है वो ये तो नहीं बता रहा कि यहाँ पर बाइंग ज्यादा है या ऊपर जाकर सेलिंग ज्यादा है। तो ये चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल स्क्रीन के सामने लाइव पता लगती रहती हैं। इसके अलावा जो स्टडी है चार्ट पैटर्न्स की और ट्रेंड्स की, इन सभी के एक स्वरूप को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें आप काफी बड़ी बड़ी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे उसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, उसका आने वाला नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, यहाँ से स्टॉक कितना गिर सकता है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें पता लग सकती हैं। बात कर लेते हैं कि इस हम एनालिसिस ये करते क्यों हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। देखिए, ये एक ब्लैंकेट टर्म होती है, इसमें आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये आपके सामने जो प्राइस एक्शन चल रहा है, प्राइस एक्शन मतलब जो कैंडल्स बन रही हैं, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, इन सभी का जो एक्सेस होता है वो सभी आपके पास होता है। और जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि स्टॉक की मूवमेंट क्या है, इंडेक्स की मूवमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें काम होता है। तो देखिए, ज्यादा जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो एक करंट ट्रेंड के ऊपर यूज रहते हैं। मतलब अभी एक स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस है, वो एक अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो अब उसके ऊपर लोग देख रहे हैं कि काफी ऊपर जा रहा है, काफी ऊपर जा रहा है, कि कोई ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा जहां पर ये स्टॉक है ये नीचे आना शुरू होएगा, यानी कि रिवर्स होगा वहां से। अब ये ट्रेंड चल रहा है ऊपर का, लेकिन वहां पर टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये पता लग सकता है कि वहां पर अभी एक ये पॉइंट है, यहां से ये रिवर्स दे सकता है, तो वहां पर आप उसको पहले सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें आप पहले सेल कर सकते हैं, नीचे आकर बाय कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में देखकर पता चल जाती हैं।
इसके अलावा कुछ ट्रेंड लाइंस होती हैं, आप ट्रेंड लाइंस यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस होती हैं। अच्छा, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। हालांकि ये सारे का सारा सिनेरियो आपको चार्ट पे हमेशा दिखता रहता है। तो कोई बॉक्सेस बनाते हैं, कुछ मैथमेटिकल विजुअलाइजेशंस करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हर किसी का अपना अपना तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस को देखने का। बस आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस आपको दिख रहा है वही हर एक दुनिया में बैठे हर एक कोने में आदमी को दिख रहा है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कैसा सेटअप है, आप कैसे उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है। अब इसके अलावा जो मोस्टली जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कैसे, जैसे एक इंडिकेटर ले लिया, ठीक है, कोई काफी सारे वो अनगिनत इंडिकेटर्स है, इसमें कुछ पैटर्न ले लिया, वो दोनों का मिक्सचर बनाया, सेटअप तैयार किया उसके ऊपर वर्कआउट करके, तो फिर वो देख रहे थे कि कहाँ पे मैं एक एंट्री कर सकता हूँ, कहाँ पे एग्जिट। मान लीजिए उनको ऐसे लग रहा है कि 2550 के अराउंड जो लाइन्स है यहाँ की अच्छी बाइंग बन सकती है, और 2580 के पास जाकर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, मैं 30 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो ले सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो सेटअप है तैयार कर सकती हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो आपने किया है वो कितना अच्छा कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा जो चार्ट पे फॉर्मेशन होती है जो आपका इंडिकेट करता है एंट्री पॉइंट क्या है, शॉर्ट सेल कहाँ पे करना, शॉर्ट सेल का मतलब यही है कि आपने पहले सेल कर दिया और बाद में बाय कर लिया, तो ये सभी चीजें आपको बताती हैं। इसके अलावा कुछ मूविंग एवरेज होती हैं डिफरेंट टाइम पीरियड की, कि जब आज से अगर हम वहां पर एक मूविंग एवरेज का ये मतलब होता है कि जहां पर आप इसका एक एक्सेस ले सकते हैं, जहां पर आपको एक चीज का पता लग सकता है कि आज से 20 दिन की एवरेज क्या है, आज से 50 दिन की एवरेज क्या है, आज से 200 दिन की एवरेज क्या है, तो उस एवरेज के बेस के ऊपर भी आप जो ये स्टॉक का जो प्राइस है आगे पीछे जाने का उसको आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा सकती है, और इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए सबसे ज्यादा चार्ट पैटर्न्स है, लोग चार्ट पैटर्न्स बहुत काम करते हैं, कुछ लोग स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें। स्पॉट मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, रेजिस्टेंस जहां से बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, तो इस तरीके से उसको देखा जाता है कि कहां पर ज्यादा बाइंग आ रही है वहां से बाई कर लें, कहां पर ज्यादा सेलिंग आ रही है वहां पर आकर सेल कर दें। तो चार्ट पैटर्न्स इसका काफी अच्छा एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा अब देखिए एक चार्ट पैटर्न होता है जिसको आप एग्जाम्पल दे रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न चार्ट पैटर्न किसको कहते हैं, जो ऐसे लगता है जिसमें कि वो एक पैटर्न ऐसा बना है जिससे अब जो स्टॉक है ऊपर जा रहा है, और बेरिश चार्ट पैटर्न कौन सा होता है जिससे हमें लगता है ये एक लेवल है जहां से अब जो स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की, जिसमें हमें एक पता लग जाता है कि ये हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, अभी इस लाइन को ब्रेक कर दिया है, इस लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है कि अभी ऊपर जाएगा, अच्छी वॉल्यूम आ चुकी है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब हम इस चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो भी काफी अच्छा इसमें रोल प्ले करते हैं अपना। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, प्राइस को देखा जाता है, वॉल्यूम्स को देखा जाता है, इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स आते हैं ऐसे हैं जो खुद ही आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपका दिमाग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे वाले, वो सोच नहीं सकती, उनको ये नहीं पता कि आगे वाले टाइम में क्या हो सकता है, लेकिन आपको पता कि क्या हो सकता है। तो आपको इंडिकेटर और कुछ चार्ट पैटर्न को मिक्स करके आप अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निकल इंडिकेटर यूज होते हैं, मूविंग एवरेज यूज हो जाती है, MACD को यूज किया जाता है, तो ये सभी चीजें क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको टेक्निकल्स के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इससे आप पास्ट की परफॉर्मेंस को फ्यूचर के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें आप कुछ चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, स्पॉट, रेजिस्टेंस, ये भी सभी चीजें आप हैं जो इनको ड्रॉ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की या इंडेक्स की जो मूव है वो किस साइड जा सकती है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, तो आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए वीडियो ये आपके पास है। अब इस देखिए ये सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो ही फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस में हम बिलीव करते हैं जो हमारे सामने चीज है, जो हमारे चार्ट चल रहे हैं, मार्केट का एक्शन क्या हो रहा है, कौन सी कैंडल कहाँ पे बंद हो रही है, हमारा चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। और जो फंडा एनालिसिस होता है वो मार्केट की ओवरऑल लुक के लिए किया जाता है। देखिए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये छोटे टर्म के लिए किया जाता है, जैसे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, आज बेचा, आज ही आज बाइक की आज ही बेच दिया, या 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या हफ्ता। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं हम कंपनी के आधार पे करते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में।
इसके अलावा देखिए जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इग्नोर कर सकते हैं चार्ट ट्रेंड्स को, क्योंकि देखिए ये तो है नहीं कि जो स्टॉक है वो हर रोज बढ़ेगा या हर रोज गिरेगा। अब कभी एक दिन में वो गिर भी सकता है, बड़ा भी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोडिक्शन है वो बड़ी है, उन्होंने 5 साल बाद उस स्टॉक को बेचना है, तो एक दिन या 2 महीने में इस उस स्टॉक के ऊपर वो सिर्फ टेक्निकल्स देख के एक जो चीज़ है वो नहीं कर सकते। वो कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ये देखेंगे फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, तो इस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेन चीज़ देखना है उनकी बैलेंस शीट कंपनी के बारे में सर्च कर रखी। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो अभी प्राइस चल रहा है क्या वो सही प्राइस है या वो ज़्यादा है या कम है, वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उनको टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन दोनों को मिक्सअप करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स को भी मिक्स करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, टेक्निकल एनालिसिस में पूरी हिस्ट्री पड़ी है, आप कभी कभी चार्ट देख सकते हैं, लेकिन आप बड़े फ्रेम पे देख लीजिए। जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एक दिन की, जैसे इंट्राडे कर रहे हैं, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा लगा तो एक महीने का आप लगा सकते हैं, एक महीने का पूरा व्यू देख सकते हैं, तो उससे आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर क्लियर हो जाती है स्टॉक इंडेक्स की, अब ये आगे जाकर कैसा मूव करेगा। इसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस हैं ये ऑफ कोर्स ये फास्ट होते हैं, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के ऊपर ये सभी चीजें बन रही है, तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ये लंबे डिसीजन के लिए लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने नहीं सेल करना। अब मेरी अगर किसी स्टॉक को लेकर सोच 5 साल तक की, तो मैं टेक्निकल्स क्यों देखूंगा? मैं तो ये देखूंगा वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं 5 साल तक इसको होल्ड करूंगा, अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ है, तो मैं तब तक प्रॉफिट लेता रहूंगा। लेकिन अगर मेरे को बीच में लग रहा है हाँ भी इसका प्रॉफिट खराब हो रहा है या इनमें कुछ मैनेजमेंट में कमी आ गई, तो मैं उससे निकल जाऊंगा, तो मेरे को उससे टेक्निकल से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टेक्निकल वीडियोस काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक सीरीज है। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको जो आगे जाकर एडवांस लेवल है वो क्लियर नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे अगर आपने ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट आपको एक शेयर मार्केट के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या और इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स काम करते हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।